नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज। एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर है एक नए मुद्दे के साथ। आज हम उपस्थित हैं पिंडवाड़ा के महाविद्यालय में, जो नगर पालिका का भवन है, क्योंकि टेम्परेरी बेस पर जो है पिंडवाड़ा के नगर पालिका के भवन में जो है चलाया जा रहा है। लेकिन इस बात को करीब करीब 5 साल हो चुके हैं, अभी तक जो है पिंडवाड़ा का कॉलेज के लिए भवन अभी तक निर्माण नहीं किया गया है। तब तक के लिए जो कॉलेज नगर पालिका के टेम्परेरी बेस भवन में जो चलाया जा रहा है, आज उसकी जो है रिपोर्टिंग करेंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार की कॉलेज है, किस प्रकार से जो है यहाँ पर स्टूडेंट को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य से भी बात करेंगे और यहाँ पर उपस्थित स्टूडेंट से भी बात करेंगे और छात्र नेताओं से भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है छात्र नेता नकुल ओझा, जिनसे इस कॉलेज के बारे में जानकारी लेते हैं। राहुल जी, महाविद्यालय वर्ष 2018 में खुला था, उसके बाद से ही अस्थायी रूप से इस नगर पालिका की धर्मशाला में हम अध्ययनरत है। हमारे सीनियर बैच और था, वो पास आउट हो गया, हम भी पास आउट हो गए और हमारा एक जूनियर बैच और पास आउट हो गया है यहाँ से इसी वर्ष। मतलब 2018 से अब तक महाविद्यालय चल रहा है, हमने भी अन्यत्र प्रवेश ले लिया है, लेकिन अभी तक महाविद्यालय की स्थिति वैसी की वैसी उल्टा और बदतर होती चली जा रही है। महाविद्यालय में शौचालय नहीं था, बहनों को काफ़ी समस्याएं होती थी, इसलिए हमने नगर पालिका के बाहर प्रदर्शन करके और जैसे तैसे करके महाविद्यालय में शौचालय का निर्माण करवाया, जो अब सुचारू रूप से चालू है और महाविद्यालय में बहनों को और शौच के लिए अब समस्याएं नहीं होती है। साथ ही अध्ययन करने जब हम पढ़ते थे, जब हम नियमित रूप से यहाँ पे अध्ययन करने आते थे, कम से कम 150 से 200 विद्यार्थी नियमित इस महाविद्यालय में अध्ययन के लिए आते थे और हमारी क्लासें भी नियमित रूप से चलती थी। लेकिन कोविड आने के बाद में महाविद्यालय में बच्चे आना कम हुए और महाविद्यालय की व्यवस्थाएं भी कुछ थोड़ी बहुत बिगड़ी, अध्यापन कार्य भी कम होने लगा, उसके बाद में यहाँ पे विद्यार्थी नहीं आने लगे और अब क्लासें नहीं लग रही। लेकिन आशा है इस सत्र से जो हमारे नए प्राचार्य जी आए हैं और वो इस सत्र से इस महाविद्यालय को पुनः हमारे उस समय में अस्थायी रूप से जैसा चल रहा था वैसा चलाएंगे। इसकी जो जो समस्या है, साफ सफाई से लेकर कमरों की मरम्मत के लिए, कई बार नगरपालिका व उपखंड अधिकारी महोदय को हम अवगत करवा चुके हैं, लेकिन इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती। नगरपालिका के जयंत साहब को भी हम कह चुके हैं कि सर अस्थायी महाविद्यालय में कम से कम ऐसा टेंडर निकाले जिससे महाविद्यालय की छत का मरम्मत हो और महाविद्यालय का फर्नीचर खराब न हो तथा विद्यार्थी आसानी से बैठ के वहाँ पर अध्ययन कर सके व शिक्षक भी आसानी से पढ़ा सके, ताकि विद्यार्थी महाविद्यालय पढ़ने के उद्देश्य से नियमित आ सके। हमने सर समय समय पर प्रशासन को अवगत भी करवाया है कि सर महाविद्यालय के लिए ये जगह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि महाविद्यालय में 3 कक्षाएं चलती है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की, और उनमें भी उनके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। हालांकि इस महाविद्यालय में भी 7 सब्जेक्ट ही है और भूगोल और समाजशास्त्र आदि विषय खुलवाने के लिए हम 4 वर्षों से प्रयासरत है, लेकिन अभी तक नहीं खुल पाए। और इसके अब इस जमीन के लिए यही महाविद्यालय के लिए उपयुक्त जगह नहीं है। हमें प्रशासन अगर दूसरी जगह अलॉट करता है कि यहाँ पे आप अस्थायी रूप से महाविद्यालय चलाओ, तो और भी स्टूडेंट्स को सहूलियत होगी और वो वहाँ पे अपना अध्ययन कार्य कर सकेंगे। तो ये थे नकुल ओझा, जिन्होंने इस कॉलेज की अव्यवस्थाओं के बारे में हमें जानकारी दी। हमारे साथ मौजूद है कॉलेज की छात्राएं, जिनसे पूछते हैं कि कॉलेज को लेकर उनको क्या क्या असुविधाएं हो रही है। नमस्ते सर, मेरा नाम श्रुति राजपुरोहित है, मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं इस कॉलेज में फर्स्ट ईयर से पढ़ रही हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मेरा थर्ड ईयर चालू है। मैंने यहाँ जब से मैं आई हूँ, मेरे को इतना हम लोगों ने इधर सब कुछ पढ़ा है वगैरह, बट एक तो ये कॉलेज है बहुत छोटी सी, ठीक है, हमको नगर पालिका से जो भी है मिला है उसके लिए हम बहुत खुश हैं कि हमको चलो जगह दी है वगैरह। पर हम लोग आए यहाँ पे, हम लोगों ने उनको बोला कि हमारे वॉशरूम अवेलेबल नहीं है, वॉशरूम में पानी नहीं है, तो जब वॉशरूम अवेलेबल करवाया तो पानी की सुविधा नहीं थी, ठीक है। और फिर जो स्कूल्स में हमारे साथ होता था कि चलो क्लासरूम में हम बैठे हैं, पढ़ाई हो रही है, नॉर्मल सा सब कुछ है, तो सेम वैसा ही कॉलेज में हो रहा है। हमको कॉलेज जैसा कोई फील भी नहीं हो रहा और ना ही कॉलेज जैसी पढ़ाई उनको लग रही है, ठीक है। सो टीचर्स आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अदरवाइज़ अगर हमको अच्छी जगह मिलती है, अच्छी कॉलेज मिलती है, इस जगह अच्छी सुविधाएं मिलती है, तो हमको और सपोर्टिव लगता है, हमको और भी फीचर्स मिलते हैं, अच्छे अच्छे चीज़ मिलती है, NSS हो गया, कैंप्स हो गए, वो सब कुछ मिलता है, फिर स्पोर्ट्स हो गया, इन सब चीज़ों से हमको थोड़ा हो जाता है ना। तो इधर कुछ भी ऐसा सीन है ही नहीं, तो हम लोगों को पढ़ाई करने में बहुत मुश्किल होता है, क्या करने का, ना ही हमको कोई सुविधाएँ मिल रही है। हम लोगों ने जब इसके खिलाफ़ आवाज़ करी तो भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमको, उल्टा
गलत गलत से रिस्पांस देके ना फिर कि हाँ चलो हम कर लेंगे ऐसा करके हमको वहाँ से हटा दिया कि आप जाओ आपका हो जाएगा हम कंप्लेन डाल रहे बट कोई इसका अच्छा रिस्पांस हमको मिला नहीं है अभी तक ही। ये थी कॉलेज की छात्राएं जिन्होंने कॉलेज की असुविधाएं के बारे में हमें अवगत कराया और इन्होंने लगातार जो है जिम्मेदार व्यक्तियों को इसकी असुविधाओं के बारे में इन्फॉर्मेशन देते रहे, लेकिन सामने से जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है और उन्होंने इन्हें नकार कर भेज दिया। इनका ये भी कहना है कि अगर ये कॉलेज अगर किसी और जगह पे चलती तो इन्हें बहुत सारे फीचर्स मिलते, जैसे NCC, NSS और स्पोर्ट की जगत में भी ये अच्छा काम या अच्छा खेल का प्रदर्शन कर सकते थे और उसमें भी नाम कमा सकते थे, लेकिन यहाँ कॉलेज चलने की वजह से इनको सिर्फ एक क्लासरूम का एटमोसफेयर मिला, इसके अलावा जो बाकी कॉलेज की एक्टिविटीज होती है वो इनको नहीं मिल पाई। यह पिंडवाड़ा का राजकीय महाविद्यालय है जो पिंडवाड़ा नगर पालिका के किसी भवन में चल रहा है, जिसकी आंतरिक दृश्य आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए हम महाविद्यालय के प्राचार्य से बात करते हैं। पिंडवाड़ा में जो कॉलेज के लिए आपको जो टेंपरेरी बेस पर ये भवन आपको दिया गया, इसमें जो असुविधा है वो किस प्रकार से है? इसमें आप फिलहाल देख रहे हैं, जैसे अभी बारिश का मौसम है, छत इसकी रिपेयरिंग मांग रही है और पानी टपक रहा है, इवन ऑफिस में भी टपक रहा है और क्लासरूम में भी। तो ऐसी स्थिति में हमें जो भवन अस्थायी रूप से उपलब्ध करवाया गया वो प्रॉपरली एज ए कॉलेज के हिसाब से नहीं है, तो यदि प्रशासन चाहे इसमें तो हमें व्यवस्थित जगह से भी हो सकते हैं और जो सुविधा यहाँ पर कमी है उसके लिए हम समय समय पर नगर पालिका को, चूँकि वो भवन उनका ही है, हम उनको बाकायदा इस बारे में कई बार पत्राचार किया भी है, लेकिन प्रॉपरली व्यवस्था थोड़ी बहुत हुई है, जैसे पानी की टंकी का अरेंज किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी पेंडिंग हैं, तो क्योंकि वो नगर पालिका के हाथ में यदि प्रशासन समय पर कर ले तो सुविधा आसानी से हो सकती है। छात्रों की मांग भी है कि कॉलेज में जो है अभी तक और भी सब्जेक्ट नहीं खुल पाए, उसको लेकर क्या समस्या है? इसमें जैसे हमने कई बार प्रशासन के थ्रू कहलवाया भी है और हमने छात्रों की मांग को आगे फॉरवर्ड भी किया है कि भाई जो सब्जेक्ट यहाँ पर छात्र चाह रहे हैं उनको खोला जाए, क्योंकि सब्जेक्ट को खोलना या किसी सब्जेक्ट को बंद करना हमारा आयुक्तालय स्तर पर निर्णय होता है, तो जैसा आयुक्तालय का हमें निर्णय होगा या निर्देश होंगे हम उसकी अक्षरगत पालना करेंगे। कॉलेज 2018 में आवंटित की गई थी जिसकी भूमि को लेकर अभी तक विवाद चल ही रहा है, कॉलेज अभी टेम्परेरी बेस पर जो चल रही है, तो कॉलेज आप इसको किस प्रकार से देखते हैं कि कॉलेज किस जगह पे होनी चाहिए और किस तरीके से होनी चाहिए? कॉलेज की यदि अपन बात करें तो चूँकि मेरे यहाँ पे जॉइनिंग जनवरी में हुई है और वहीं से मैंने अभी काम स्टार्ट किया है, क्योंकि बिल्डिंग का काम हम मानते हैं कि 2018 में रेवदर और साथ में बनी थी और वो बिल्डिंग बनकर PG भी बन गई और यहाँ अभी तक इतनी ग्रोथ नहीं हो पाई जो एजे होनी चाहिए थी, क्योंकि बिल्डिंग के बारे में ऐसा है कि कॉलेज आज भले ही आर्ट्स फैकल्टी है लेकिन हम मानते हैं कि भविष्य में यहाँ साइंस भी होगी, आर्ट्स भी होगी, कॉमर्स भी होगी और PG डिपार्टमेंट भी होंगे, तो बिल्डिंग ऐसी हो जहाँ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हम उसका विस्तार कर सकें तो हमें आसानी रहे, नहीं तो हम ऐसी जगह वापस जैसा शिफ्ट हो जाए और फिर हमें वापस विस्तार करने के लिए फिर से नई ज़मीन ढूंढने की जरूरत पड़े तो वो कॉलेज के लिए सही नहीं रहेगी। रही बात कहाँ बननी चाहिए, तो चूँकि हम सभी सरकारी कार्मिक हैं, हमारे लिए हमारा आयुक्तालय सर्वेसर्वा होता है, जैसे उनके निर्देश या आदेश होते हैं हमें उनकी पालना करनी होती है, जहां हमें वो कहेंगे कि यहां कॉलेज बननी है या शिफ्ट होनी है हम वहां पर शिफ्ट कर लेंगे। चल रहा है उसमें टॉयलेट की व्यवस्था हमने गर्ल्स के लिए तुरंत व्यवस्था की थी, जब बीच में छात्रों ने मुद्दा उठाया था गर्ल्स टॉयलेट के लिए हमने व्यवस्था कर ली थी, बॉयज के लिए भी कर ली, लेकिन परिसर आप भी देख सकते हैं छोटा सा, उसमें जितना हम कर सकते थे उतना हम करने की कोशिश करें। फर्नीचर और उनकी बात है तो जैसे हमारे पास पढ़ाने के लिए 3 कमरे अवेलेबल हैं तो उसमें जैसी अरेंजमेंट हो सकता है हम उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, परिसर में ये जो पेड़ का मामला आप कह रहे हो, ये अभी विपर्जय तूफान आया था उससे इसकी एक बड़ी सी डाल टूट गई थी, वो हमने नगरपालिका प्रशासन को कह के कटवा दी, लेकिन उन्होंने अभी तक मलबा यहाँ से नहीं हटाया, इसलिए इतनी अव्यवस्था अपने को दिख रही है। और परिसर में जो घास फूस का है तो चूँकि हम चाह रहे हैं कि जैसे प्रॉपरली इसके लिए कोई मैनेज भी हो जाए, एक हम कार्मिक भी व्यवस्थित कर लेते, इसकी साफ़ सफाई भी करें, और चूँकि अभी जैसे मौसम बारिश का भी है तो ऑब्वियसली ज़मीन उपजाऊ है तो उसकी वजह से थोड़ी घास फूस हुई है, तो अपन निरीक्षण कर सकते हैं। इस क्लासरूम में जैसे आप देख सकते हैं खड़ी रंग की क्लास चलती है, लेकिन पर्याप्त स्पेस नहीं है इसलिए आधा फर्नीचर जमाया हुआ है और आधा वैसे पीछे अरेंज किया हुआ है,
क्योंकि बारिश का मौसम है तो आप सीजन देख सकते हैं, छत मरम्मत वास्तव में मांगती है और उसके अभाव में इस तरह के माहौल में बच्चों को पढ़ाना और बढ़ना भी दोनों अपने आप में एक चैलेंजिंग है। तो सर इसमें कौन कौन सी क्लास बैठती है? हम इसमें थर्ड ईयर की क्लास को अरेंज करते हैं सेकेंड ईयर क्लास में और फर्स्ट ईयर क्लास में, मतलब एक कमरे में प्रॉपरली, ताकि आप जैसे थर्ड ईयर पढ़ लिए तो नेक्स्ट क्लास सर आ जाए और बच्चा बार बार डिस्टर्ब नहीं हो। क्योंकि कमरा वेरफुल था, हालांकि कमरा आप देख सकते हैं बच्चों के पढ़ने के लिए पर्याप्त इतना नहीं है, इसमें आप देखो 15-20 बच्चे बड़ी मुश्किल से बैठ पाते हैं और ऐसे में हमें इसमें सेकेंड ईयर को अरेंज करना पड़ता है। और समर वैकेशन था तो लंबे समय तक बंद है और पीछे से क्या व्यवस्था भी सही नहीं है, तो उस वजह से थोड़ी सी ये आपको कमरा इतना गंदा सा और वैसा लग रहा है। और चूँकि पानी की वजह से इस फर्नीचर पर भी गिर रहा है छत टपक कर, तो फर्नीचर को भी नुकसान हो रहा है जो रिसेंटली परचेज किया हुआ है। इन दोनों कमरों में फर्नीचर रखा हुआ है क्योंकि ये कमरे थोड़े से व्यवस्थित थे, जहाँ पर लग रहा था कि पानी का रिसाव थोड़ा कम हो रहा है तो फर्नीचर ख़राब नहीं हो, उस वजह से हमने इसको यहाँ पर फर्नीचर जमा कर रखा है ताकि सरकार ने जितने अपने संसाधन लगा के कीमती सामान खर्च करके ये संसाधन जुटा है कॉलेज के लिए, तो बच्चे इसका यूज कर सके। इसलिए हम चाह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए प्रॉपर कमरे भी मिले और ये जो हमने इतनी महंगी चीज़ें खरीदी है उसका प्रॉपर यूटिलाइज भी हो। ये थे पिंडवाड़ा महाविद्यालय के प्राचार्य, जिन्होंने पिंडवाड़ा महाविद्यालय का भौतिक निरीक्षण करवाया और यहाँ की असुविधा के बारे में हमें अवगत कराया। इसी के साथ और कई मुद्दों के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे, अभी के लिए दीजिए इजाजत। देवनगरी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद। देवनगरी इंडिया न्यूज आपके समक्ष इसी प्रकार के मुद्दे उठाता रहेगा और आपने अगर देवनगरी इंडिया न्यूज का चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें।